नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। और हम हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर अपनी खास पेशकश के साथ नायक, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ओजस्वी और महान शख्सियतों की अमर कहानियां, जिन्हें सुनकर आप में और हम में सभी में नई ऊर्जा का संचार हो, नई हिम्मत हम में पैदा हो, जीवन की कठिनाइयों से, रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से जूझने के लिए। साथ ही इस कार्यक्रम में हम ऐसे महानायकों की भी चर्चा करते हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास है उस मेमोरी को, उस याद को हमेशा ताजा रखने के लिए, क्योंकि हम और हमारा देश, हमारा समाज आज जो कुछ भी है, अगर आजादी के माहौल में हम सांस भी ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे इन नायकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम बात करेंगे आजादी के एक ऐसे परवाने की जिसकी रगों में क्रांति की ज्वाला धधकती थी, जिसके दिल में देश के नाम कुर्बानी की चिंगारियां थीं। आज नायक में हम बात करेंगे भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस की, उनकी जीवन गाथा से आपको परिचित कराएंगे। नायक, नायक। तो आज मैं आपको बताऊंगा खुदीराम बोस की जिंदगी के दिल छू देने वाले किस्सों के बारे में। बताएंगे आपको कि कैसे खुदीराम बोस ने एक दिन अपने पिताजी की बहुत ही कीमती कश्मीरी शॉल किसी को दे दी थी। क्यों घबराते थे, क्यों जान सूखती थी विदेशी माल बेचने वाले व्यापारियों की खुदीराम बोस से, और उनके सम्मान में ऐसा क्या लिख दिया बाल गंगाधर तिलक ने कि उनको मिली एक बहुत ही बड़ी सजा देश निकाले की। और भी कई रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से होंगे खुदीराम बोस की जिंदगी से जुड़े हुए। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे युवा और प्रथम क्रांतिकारियों में से एक की, खुदीराम बोस की, जिनका नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। आजादी के लिए जान न्योछावर करने का साहस और जज्बा उनमें ऐसा था जिसका शायद कोई सानी नहीं है। 18 साल की उम्र में तो खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर झूल गए थे। ऐसे वीर का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। मां का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी और पिता का त्रैलोक्यनाथ। लक्ष्मी प्रिया ने पुत्र की चाहत में सिद्धेश्वरी काली मंदिर में 3 दिन तक लगातार पूजा की थी। इतनी पूजा, अर्चना और जतन के बाद बेटा हुआ तो माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब खुदीराम पैदा हुए तो एक प्रचलित मान्यता के अनुसार लंबी आयु के लिए नवजात शिशु को किसी को खरीदना था, इसलिए 3 मुट्ठी टूटे चावल देकर बालक की बड़ी बहन अपरूपा देवी ने खुदीराम को खरीद लिया और ऐसे ही उनका नाम पड़ गया खुदीराम। माँ बाप का प्यार उन्हें ज्यादा दिन नसीब नहीं हुआ। जब वो 6 साल के थे तो पहले माँ और फिर पिता का देहांत हो गया। बड़ी बहन अपरूपा देवी की शादी हो गई थी। दीदी ने ही नन्हे खुदीराम को पाल पोस के बड़ा किया। खुदीराम का स्कूल में पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी छवि एक बेहद बहादुर, निडर छात्र की बन चुकी थी। वो किसी से नहीं डरते थे। स्कूली जीवन में ही उनकी बहादुरी के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। कई बार वो पास के जंगल से सांप पकड़ के ले आते थे, उसके साथ थोड़ी देर स्कूल में खेलते, फिर जंगलों में वापस छोड़ आते। दर्द को सहने की भी उनमें अपार क्षमता थी। एक बार क्लास के टीचर ने कहा सभी बच्चों से कि भाई टेबल पर जितनी ताकत हो उतने जोर से लगातार हाथ मारते रहो। एक के बाद एक सब बच्चे आगे आए, थोड़े हाथ टेबल पे मारे, फिर थक के बैठ जाते। लेकिन खुदीराम जब आए तो लगातार टेबल पे हाथ मारते ही रहे। हाथ से खून की धारा बह निकली, लहूलुहान वो हो गए, गिनती सैकड़ा पार कर गई। आखिरकार शिक्षक को ही उन्हें कहना पड़ा, भाई खुदीराम अब रुक जाओ। तो कहीं ना कहीं बचपन में ही खुदीराम ने अपने साहस का परिचय सबको दे दिया था, साथ ही अपने देश प्रेम का भी। एक बार कक्षा में जब स्वदेशी धोती पहनकर एक लड़का आया तो बाकी लड़के जब हंसने लगे तो खुदीराम आगे आए और उन्होंने उस छात्र को गले लगा लिया और दूसरे स्टूडेंट्स को उनकी गलती का एहसास कराया।
आगे बताऊंगा आपको कि कैसे एक बार जिस दौर में एक एक पैसे की कीमत हुआ करती थी, उस वक्त में अपने दिवंगत पिता का बेहद कीमती कश्मीरी पश्मीना शॉल उन्होंने जैसे रहा चलते एक व्यक्ति को दे दिया। क्यों और कैसे और किस तरह से खुदीराम बोस अपनी जान की चिंता किए बगैर दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की मदद के लिए हमेशा रहते थे तत्पर, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में, जिसमें हम आपको सुनाते हैं ऐसे लोगों की कहानियां जिनका जीवन हमारे लिए आज भी प्रेरणा का, आदर्श का स्रोत है। आज हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी, भारत के अमर शहीद खुदीराम बोस की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आखिर ऐसा क्या हुआ एक बार उस दौर में जब एक एक पाई की कीमत होती थी, अपने स्वर्गीय पिता का देश कीमती कश्मीरी पश्मीना शॉल रहा चलते किसी को दे दिया खुदीराम बोस ने। ये बात उन दिनों की है जब खुदीराम मिदनापुर के कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ा करते थे। पढ़ाई लिखाई में उनका कोई खास मन लगता नहीं था, दिमाग लेकिन बहुत तेज था। बंगाल में आजादी का आंदोलन चल रहा था और खुदीराम भी अक्सर देश सेवा, आजादी और ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार की बातें सुनते थे और उनका खून खौल उठता था। मन में देश की और समाज की सेवा की भावना जागने लगी थी। दया का भाव भी उनमें जबरदस्त था। उनको मालूम पड़ता कि किसी को भी मदद की जरूरत है तो दौड़कर खुदीराम पहुंचते और जो कुछ भी उनसे बन पड़ता उतना जरूर करते। एक बार घर में बैठे थे अपने खुदीराम, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तभी घर के बाहर एक भिखारी की आवाज सुनाई दी। खुदीराम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड में ठिठुरता हुआ उनके दरवाजे पर भीख मांग रहा है। खुदीराम से उसकी दशा देखी नहीं गई, भावुक हो वापस दौड़कर अपने कमरे में आए और ढूंढने लगे कुछ। कुछ देर बाद जब वापस दरवाजे पर पहुंचे तो उनके हाथ में अपने स्वर्गीय पिता की एक कीमती निशानी थी, वो बेश कीमती कश्मीरी पश्मीना शॉल जो पिताजी ने उनके लिए छोड़ा था। उनकी दीदी ने कहा भी कि इतना कीमती शॉल भिखारी को मत दो, वो बाजार में बेच देगा और उसके बदले पैसे ले लेगा। इस पर खुदीराम का कहना था, कोई बात नहीं दीदी, इससे उसे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे जिससे उसकी कुछ मदद हो पाएगी। और दीदी के मना करने के बाद भी भिखारी को वो शॉल खुदीराम ने पकड़ा दी। समाज सेवा से जुड़े कई और किस्से हैं खुदीराम के बारे में। जैसे वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो तमलुक शहर में हैजा फैल गया, सैकड़ों लोग हैजे के शिकार हुए, हालात बहुत खराब थे, लोग रोज मर रहे थे, शमशान घाट की अग्नि बुझती ही नहीं थी। तभी बालक खुदीराम ने बिना किसी की परवाह किए पूरे जी जान से रोगियों की सेवा की, दिन रात पढ़ाई छोड़कर। ऐसे ही एक बार जब मिदनापुर से 5 मील दूर कंसावती नदी में बाढ़ आई और हजारों लोग उस बाढ़ में फंस गए तो खुदीराम अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े और शुरू कर दिया उन्होंने राहत कार्य। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों जान सूखती थी मिदनापुर शहर के व्यापारियों की खुदीराम बोस के नाम से, कांपने लगते थे वो। तो क्या था ये माजरा, ये किस्सा, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम अमर शहीद खुदीराम बोस की सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर और आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं भारत के सबसे युवा और प्रथम क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस की। वो अमर शहीद जो सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गया था। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो बहुत ही कम उम्र में खुदीराम बोस का नाम, उनकी ख्याति एक देशभक्त की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह इतनी फैल चुकी थी कि उनके शहर में विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने वाले सभी सौदागर उनके नाम से ही कांपने लगते थे। अब तक आपने सुना कि खुदीराम बोस के माता पिता का देहांत जब वो 6 साल के थे तभी हो गया था, इसलिए उनका लालन पोषण उनकी बड़ी बहन के घर हुआ था।
लेकिन चूंकि उनके बहनोई सरकारी अधिकारी थे, इसलिए खुदीराम बोस ने बाद में सोचा कि कहीं उनके क्रांतिकारी स्वभाव की वजह से, उनकी देशभक्ति की वजह से दीदी के घर किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, बहनोई को कोई कष्ट न पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी बहन का घर छोड़ दिया। अब समाज सेवा करने वाले इस बालक पर कुछ नौजवान क्रांतिकारियों की नजर पड़ी। ये वो दौर था जब बंगाल विभाजन के आदेश के खिलाफ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। खुदीराम भी धीरे धीरे इन बैठकों का हिस्सा बनने लगे। जुलाई 1905 में बंग विभाजन की सरकारी घोषणा के बाद जहां इसका सबसे तीव्र विरोध हुआ था, उन शहरों में मिदनापुर शहर का नाम भी बड़ा प्रमुख था। अगस्त 1905 में एक विशाल जनसभा का आयोजन शहर में किया गया और यहीं पर खुदीराम ने आजन्म स्वदेश सेवा का व्रत लिया। मिदनापुर में हालत ये हो चुकी थी कि विदेशी वस्तुएं बेचने वाले खुदीराम बोस के नाम से ही घबराने लगे थे, कांपने लगे थे। खुदीराम की ऐसी छवि बन चुकी थी कि अगर कहीं भी विदेशी वस्तुएं बिकने की वो बात सुनते तो पहुंच जाते वहां दिया सलाई लेकर और लगा देते आग। हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझते थे जो चेतावनी के बावजूद विदेशी वस्तुएं, विदेशी सामान बेचता था। 1906 में मिदनापुर में क्रांतिकारी नौजवानों का सबसे बड़ा अड्डा सत्येंद्रनाथ बसु की हैंडलूम फैक्ट्री बन चुका था। मिदनापुर में ही एक छात्र लाइब्रेरी भी स्थापित की गई थी और यहीं पर नौजवानों को रेवोल्यूशनरी लिटरेचर और पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती थी। यहीं खुदीराम बोस का एक तरह से बैप्टिज्म हुआ क्रांति की राह पर। यहां पर उन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ी, वर्तमान राजनीति, मुक्ति किस रास्ते आदि कई पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने इस पाठ को समझा और आत्मसात किया और आगे जाकर उस पर अमल किया, और कैसे अमल किया कि देश उसको आज तक याद करता है। आगे बताऊंगा आपको उस वारदात के बारे में जिसकी वजह से अंग्रेज शासन की पहली बार नजर पड़ी बालक खुदीराम बोस पर, और फिर क्यों उन्हें भेज दिया गया छोटी सी उम्र में ही जेल। बताऊंगा आपको पूरा किस्सा। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक। आज बात कर रहे हैं हम भारत के सबसे युवा और पहले क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस की। तो कैसे अंग्रेज हुकूमत की सबसे पहली बार नजर पड़ी खुदीराम बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों पर? 1906 की बात है। मिदनापुर जेल हाउस में एक समारोह हो रहा था जहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कुछ पुरस्कार मिलने वाले थे। अब इस प्रोग्राम के दौरान खुदीराम बोस ने वंदे मातरम के पर्चे बांटना शुरू कर दिया। एक कॉपी वंदे मातरम की खुदीराम बोस ने अपने शिक्षक को भी दे दी। अब इतना जबरदस्त भय और आतंक होता था उस दौर में अंग्रेजों का कि इस तरह के पर्चों को पढ़ना तो दूर, उन्हें देखना भी लोगों में डर पैदा कर देता था, क्योंकि वो गैर कानूनी काम होता था। शिक्षक ने तुरंत एक सिपाही से खुदीराम की शिकायत कर दी। सिपाही ने जब दौड़कर खुदीराम को रोकने की कोशिश करी और उसका हाथ पकड़ा, तो खुदीराम ने बनाई मुट्ठी और सिपाही की नाक पर ऐसे जम के मुक्का दे मारा कि बस सिपाही का सर चकरा गया और खुदीराम भाग छूटे वहां से। बाद में पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना ने बोस को पूरे शहर में एक नायक की तरह स्थापित कर दिया। ऐसा नहीं था कि उस समय कोई और क्रांतिकारी वीर था नहीं बंगाल में या देश में, लेकिन महज 15 साल की उम्र में जिस हिम्मत और जज्बे के साथ अंग्रेज हुकूमत के सिपाही की नाक पे घूंसा देकर मारा था खुदीराम बोस ने कि उनको पूरे शहर ने अपनी सर आंखों पर बिठा लिया, एक नायक हीरो की तरह स्वीकार किया। जब जेल से छूटकर वो आए तो फूलों की मालाओं से उन्हें लाद दिया गया, घोड़े पर बिठाकर उनका जुलूस निकाला गया और आतिशबाजी ऐसी हुई कि आधी रात तक चली। खुदीराम का क्रांतिकारी स्वरूप और स्वभाव बहुत शुरू से ही नजर आने लगा था। एक बार मशहूर क्रांतिकारी नेता हेमचंद्र कानूनगो साइकिल से जा रहे थे, खुदीराम ने बीच सड़क पर उनका रास्ता रोक लिया और अंग्रेजों को मारने के लिए उनसे बंदूक मांगी।
आगे चलकर खुदीराम ने हेमचंद्र के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। 6 दिसंबर 1907 को नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर उन्होंने हमला किया। ये अलग बात है कि गवर्नर बच गया। 1907 तक खुदीराम पूरी तरह अरबिंदो घोष के दल में शामिल हो चुके थे। वे अपने दल के लिए हर बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। आगे बताऊंगा आपको कि वो कौन सी घटना थी, किस वारदात को अंजाम दिया खुदीराम बोस ने, जिससे उन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ कि वो देश में सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर झूलने वाले क्रांतिकारी शहीद बने। वो ऐतिहासिक घटना कौन सी थी, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम अमर शहीद और देश के सबसे युवा और प्रथम क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज अमर शहीद युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आखिर ऐसा क्या किया खुदीराम बोस ने कि अंग्रेज हुकूमत इस कदर तिलमिला गई कि खुदीराम बोस, जिनकी उम्र उस वक्त महज 18 साल थी, उन पर कोई रहम नहीं किया गया और अंग्रेज सरकार ने फैसला लिया कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बात 1908 की है। खुदीराम बोस कलकत्ता आ चुके थे अब तक। वहां पे बम बनाने के काम में वो जुट गए थे। उन दिनों सरकार क्रांतिकारियों पर बेहद सख्त थी और मामूली अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिए जाते थे। एक जज थे किंग्सफोर्ड, जिन्हें बड़ा शौक था क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने का। उन्होंने एक 15 वर्ष के किशोर क्रांतिकारी सुशील सेन को कोड़ों से पिटवाने का हुक्म दिया था और इस वजह से जज किंग्सफोर्ड को एक पार्सल बम से मारने की योजना बनी, लेकिन वो असफल हो गई। सरकार को लेकिन उसकी जानकारी मिल गई और किंग्सफोर्ड को कलकत्ता से ट्रांसफर करके मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। क्रांतिकारी दल के सदस्यों ने फैसला किया कि किंग्सफोर्ड के पीछे मुजफ्फरपुर जाया जाएगा और वहीं उनका खात्मा कर दिया जाएगा। प्लान बनना शुरू हुआ। ये काम क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के सुपुर्द किया गया। इस योजना को अंजाम देने के लिए खुदीराम का नाम दुर्गादास सेन और प्रफुल्ल चाकी का नाम दिनेश चंद्र राय रखा गया। प्रफुल्ल और खुदीराम मुजफ्फरपुर के लिए निकल पड़े और 2 सप्ताह वहीं रहे। किंग्सफोर्ड की सारी गतिविधियों पर उन्होंने नजर रखी। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल और खुदीराम बम लेकर किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने के लिए निकले। अंधेरे में उन्होंने बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से गलत गाड़ी निशाना बन गई और इस हमले में 2 विदेशी निर्दोष महिलाओं की जान चली गई। प्रफुल्ल ने पुलिस के हाथों पड़ने से पहले ही आत्महत्या कर ली। खुदीराम को 1 मई 1908 को मुजफ्फरपुर से 20 मील दूर वैनी स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चला सिर्फ 5 दिन। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और सिर्फ 29 दिन बाद 11 अगस्त 1908 को इस वीर क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई। जब मृत्यु दंड सुनाया गया तो खुदीराम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जिस दिन उन्हें फांसी हुई उनकी उम्र थी 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे खुदीराम की शहादत बन गई बंगाल में अंग्रेजों के ताबूत की एक कील और क्या लिखा उनके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उनको भी देश निकाले की सजा दी। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज अमर शहीद खुदीराम बोस की, जो हंसते हंसते सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने
खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में लोगों को बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह बिल्कुल निडर बेखौफ फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े थे। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए बंगाल में कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। इतिहासकार लिखते हैं कि बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए खुदीराम वीर शहीद अनुकरणीय हो गए थे। उनकी शहादत के बाद कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे और नौजवान सड़कों पर ऐसी धोती पहने नजर आते थे जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। खुदीराम की शहादत से ऐसी चंगारी भड़की कि वो देखते ही देखते सीमाएं तोड़ती हुई बंगाल से बाहर निकलकर पूरे देश में फैल गई और सारे देश में चर्चा सिर्फ एक ही होने लगी कि कैसे 18 साल के एक नौजवान ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया और बिल्कुल बिना डरे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गया। खुदीराम बोस की शहादत की वजह से उनका यश, उनकी ख्याति कुछ ऐसी फैली कि बंगाल से सैकड़ों कोस दूर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी सशक्त लेखनी उनके पक्ष में उनके सम्मान में चलाई और कुछ इस तरह से चलाई कि अंग्रेज हुकूमत तिलमिला उठी। बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी मुखपत्र में 4 संपादकीय मई और जून के महीने में खुदीराम बोस की शहादत को समर्पित किए। अंग्रेजों ने तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया। तिलक जी को 6 वर्ष का कारावास सुनाया गया और साथ ही देश निकाला दंड भी दिया गया और उन्हें बर्मा जेल भेज दिया गया। बाद में अपने एक अन्य लेख में बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम और प्रफुल्ल की शहादत को देश के किसी भी अन्य क्रांतिकारी के मुकाबले बड़ी शहादत बताया, ज्यादा महान बताया। तो दोस्तों, अगर आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, एक आजाद मुल्क में जी रहे हैं, लोकतंत्र के आनंद उठा रहे हैं, तो उसके पीछे है खुदीराम बोस जैसे अनेकों अनेक वीर भारतीय क्रांतिकारियों की शहादत की कहानियां। ऐसे वीर नायकों को हमारा शत शत नमन, खुदीराम बोस को हमारा सलाम। इसी के साथ मैं संजीव श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहता हूं, कल रात 8 बजे एक बार फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।